जब गुजरात के एक नेता को देश गंभीरता से ले सकता है तो बिहार के नेता को क्यों नहीं लेगा। उनका बयान नहीं देखा और उनके कोई अधिकृत प्रवक्ताओं का बयान नहीं है कि वो क्या करने दिल्ली जा रहे हैं। अमित शाह अशोक चौधरी जी को सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया है तो इसीलिए वो सरकार की बात कर रहे हैं। आप एक बात साफ देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से विपक्षी एकता पहले से ही था। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का हम लोग एक संगठन देश भर में चलाते थे। हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि यूपीए का विस्तार हुआ और एक बिहार की छोटी रीजनल पार्टी जनता दल यू कल यूपीए में जाने का संकेत दिया। अगर यूपीए कोई कन्वेनर तय करता है नया, उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसले तो राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाए जाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी पर तो चार्ज है कि वो अडानी और अंबानी के फ्रंट रनर है, उन पर आरोप है और कई लोगों ने आरोप लगाया है। तो क्या मोदी जी ऐसा मानते हैं अपने बारे में? उसी तरह से वो अगर किसी दूसरे विपक्ष के नेता के बारे में बोलते हैं तो उनको उनकी व्यक्तिगत धारणाएं हैं। ये बिहार एक बड़ा राज्य है, गंभीरता से रख लेना पड़ता है इस देश में लोगों को, बिहार के लोगों को। इसमें 40 लोकसभा की सीटें हैं तो स्वाभाविक है देश में कोई भी प्रधानमंत्री है या बनने वाला वो बिहार को गंभीरता से लेता। कम से कम गुजरात से 27 सीटों से ज़्यादा बिहार में है। जब गुजरात के एक नेता को देश गंभीरता से ले सकता है तो बिहार के नेता को क्यों नहीं लेगा? मेरा कोई नेता हो बिहार का, किसी दल का, गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी, दूसरी बड़ी आबादी वाले हम राज्य हैं, हम सबसे ज़्यादा लोकसभा उत्तर प्रदेश के बाद भेजने वाले लोगों में से हैं, तो ये तो ताकत है ही हमारे पास। कोई उनका बयान नहीं देखा और उनके कोई अधिकृत प्रवक्ताओं का बयान नहीं है कि वो क्या करने दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह जी से। हो सकता है कि राज्य के विकास के लिए, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो राज्य के विकास के लिए किसी एजेंडे पर किसी विषय को बात करने जा रहे होंगे, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और इसके मीडिया के नज़र में उनका राजनीतिक अर्थ हो सकता है अलग, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो गृह मंत्री से गए होंगे कोई बिहार के विकास से संबंधित कोई मसले को बातचीत करने के लिए, जब तक कि उनके कोई अधिकृत बयान नहीं आते हैं कि वो क्या चाहते हैं। कमेटी होती है जिसको कोर कमेटी बोलते हैं, वो कोर कमेटी के लोग ही जान पाते हैं कि हमारे आदरणीय नेता किस काम के लिए कहाँ यात्रा कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी को सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया है तो इसीलिए वो सरकार की बात कर रहे होंगे। मैंने कहा कि अशोक चौधरी के बयान का संदर्भ खोजिएगा, तो संदर्भ में मैंने कहा कि वो कोर कमेटी के नीति निर्धारक बॉडी के सदस्य नहीं है, इसीलिए उनको यह जानकारी नहीं हो। मुझे भी पार्टी में बहुत सारी बातें जानकारी में नहीं होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जब अपना पक्ष रख रहे होते हैं तो एक राजनेता के तौर पर, एक बिहार के नागरिक के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम अपने पक्ष को रखते हैं। ठीक है, अशोक चौधरी ने उसी तरीके से अपने पक्ष को रखा है। मैं नहीं मानता कि पार्टी के वो जो कोर कमेटी है उसकी वो सदस्य है, इसीलिए उनको जानकारी होगी या होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। देखिए, ये बिहार के लिए खबर हो सकती है कि विपक्षी एकता, आप एक बात साफ देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से विपक्षी एकता पहले से ही था। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का हम लोग एक संगठन देश भर में चलाते थे और आज उसके बाहर भी कुछ लोग हैं, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित जो एनडीए है, इसके अलावा भी कई छोटे छोटे दल थे जो अलग अलग अपना मत रखते थे। हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि यूपीए का विस्तार हुआ और एक बिहार की छोटी रीजनल पार्टी जनता दल यू कल यूपीए में जाने का संकेत दिया। अधिकृत बयान के तौर पे अगर हम देखें कि यूपीए का हिस्सा हो गया, यह थोड़ा जल्दीबाजी इसलिए मैं मानता हूँ कि मीडिया के द्वारा अधिकृत रूप से या किसी पार्टी के द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन मुझे बहुत बधाई है नीतीश कुमार जी को कि कांग्रेस नेतृत्व वाली जो यूपीए है उसमें आपने कल समर्थन देने का वायदा किया, ये उनके लिए बधाई है। और ऐसे जो तमाम दल क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे दल हैं देश में, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, केजरीवाल साहब राष्ट्रीय पार्टी हैं, ममता बनर्जी राष्ट्रीय पार्टी हैं, इन दलों से भी हम लोग मांग अपील करते हैं कि वो यूपीए को मजबूती देने का काम करेंगे। जहाँ तक मैं कल तक देखा हूँ, वो यूपीए के जो कन्वीनर हैं सोनिया गांधी हैं अभी तक,
और यूपीए की कोई बैठक अभी नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि कोई दूसरा कन्वेनर बनने जा रहा है। अगर यूपीए कोई कन्वेनर तय करता है नया, उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसले तो राष्ट्रीय स्तर पर ही सुलझाए जाएंगे। लेकिन जो जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, अभी तक यूपीए की अधिकृत बैठक नहीं हुई है और उसके द्वारा कोई अभी नए संयोजक की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार यदि यूपीए मजबूत होगा, बिहार जैसे राज्य में थोड़े बहुत असर बढ़ेंगे, स्वाभाविक है। जिस राज्य का नेता, चूँकि रीजनल पार्टी राज्य स्तर की ही पार्टी होती है, किसी भी राज्य के विस्तार में उस संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका होगा, तो ये एक ऐसा काल्पनिक सवाल है जिससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। अगर बिहार के रूप में फ़ायदा होगा तो अन्य राज्यों के रूप में कितना फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये आकलन हम पटना से नहीं कर सकते। जब आप दिल्ली में बैठे हों तो देश बड़ा है, 543 लोकसभा के हिसाब से देखना होता है। वैसी परिस्थिति में जरूर मेरी मान्यता है कि कांग्रेस का ही कोई नेता यूपीए को नेतृत्व देगा, तो चूंकि वो बड़ी पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है, इसलिए उसका असर ज़्यादा होगा। अगर यूपीए निर्णय लेता है कि नहीं नीतीश कुमार जी को ही संयोजक बनाना है, तो बिहार के लिए गौरव का विषय है, खुशी का विषय है। निवासी क्षेत्रों में तो काफ़ी असर पड़ेगा नीतीश कुमार बनते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड। ये बात मैंने कहा काल्पनिक बात है कि क्या असर पड़ेगा राज्य के बाहर, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बहुत छोटी पार्टी है, एक राज्य स्तरीय बहुत छोटी पार्टी है, और उसके आधार पे मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत असर होगा देश की राजनीति पर। और उसके बहुत सारे जो संगठन हैं देश के जो अन्य राज्यों में, वो कितना मदद करेंगे सभी लोगों को, मैं यही कहूँगा कि सामूहिक रूप से, मैं किसी भी पार्टी के राजनेता को मैं मानता हूँ कि सामूहिक नेतृत्व के जरिए राजनीति को और विपक्ष के लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। सभी का अपना स्टेक है, सभी के अपने अस्तित्व हैं, सभी के अपने संगठन हैं, सभी के अपने जनाधार हैं, सभी लोग को सामूहिक रूप से इसको प्रयास करना होगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।